Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स, बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने कॉस्ट से रिलेटेड, मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड और मार्जिनल रेवेन्यू से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व किया है. आज हम देखने वाले हैं जो ऑलमोस्ट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का आखिरी पार्ट है, यानी कि रेवेन्यू वाले एग्जाम्पल्स एंड प्रॉफिट वाले एग्जाम्पल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहला जो सम है वो बच्चों हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 5 सेक्शन ई का 9, 8, 9, 10 तीन सम दिए गए हैं. मैं दो सम करवाने वाला हूँ, रेवेन्यू वाले एंड सिमिलरली प्रॉफिट वाले भी देखेंगे. फिर लास्ट टॉपिक बचेगा, नेक्स्ट सेशन में वो छोटा सा सेशन रहेगा जिसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी ऑब्जर्व करेंगे. तो देख लेते हैं हमारा सम. सबसे पहले तो बच्चों याद रखना है हमें, जब भी क्वेश्चन दिया जाए हमें पता है रेवेन्यू जो है हमारी, रेवेन्यू आर इज इक्वल टू एक्स इंटू पी या पी इंटू एक्स, जिसमें हमें फंक्शन चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी जब भी डिमांड फंक्शन एक्स इन टर्म्स ऑफ पी भी दे सकते हैं, प्राइस इन टर्म्स ऑफ डिमांड भी दे सकते हैं. तो जब भी ऐसे दिया जाए बच्चों तब हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी हमें चाहिए पी इन टर्म्स ऑफ एक्स. तो सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट करेंगे. सो दिस इज 180 माइनस 3p, x हो जाएगा, 3p को मैं लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा, यानी 3p इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स. सो p इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3, यानी प्राइस जो है इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए. और आगे हम जाने वाले हैं, हम कह ही चुके हैं कि जब भी ऐसा सम करते हैं तो इसे हम स्प्लिट कर देंगे, यानी 180 बाई 3 कर देंगे एंड पड़ोस में जो है वो नेचुरली 1/3 होगा. ठीक है, सो दिस इज 60 माइनस 1/3 ऑफ एक्स. ठीक है, अगर आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो प्राइस पी इन टर्म्स ऑफ एक्स को, तो यहाँ पे डिजिट में, 4 डिजिट में अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्ट करना, या हम वैसे ही रहने देंगे. ठीक है, तो अब हम जा सकते हैं हमारे रेवेन्यू फंक्शन में, रेवेन्यू आर ऑफ एक्स लिख सकते हैं, या आर इज इक्वल टू पी इंटू एक्स, दैट इज 60 माइनस 1/3 ऑफ एक्स इंटू एक्स. तो हमारा फंक्शन जो है रेवेन्यू फंक्शन बच्चों अभी रेडी हो रहा है. क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में हमें बताया है कि फाइंड द डिमांड फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू. अब मैक्सिमम के बाद हमें रेवेन्यू दिया गया, इसलिए हम रेवेन्यू फंक्शन जनरेट करते हैं, ये हमें बनाना पड़ेगा. कॉस्ट में तो रेडीमेड फंक्शन दिया जाता है, प्रॉफिट में भी हमारे पास फॉर्मूला है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. तो फिलहाल रेवेन्यू फंक्शन रेडी हो गया है. तो मैक्सिमम रेवेन्यू यानी वही स्टेप्स, पहले हमें जो भी फंक्शन के लिए मैक्सिमम या मिनिमम कहा जाए उसका डेरिवेटिव करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, यानी हमें मिलेगी स्टेशनरी वैल्यूज. और उसके बाद सेकंड ऑर्डर में रखना है उसे, अगर लेस देन 0 आए क्योंकि मैक्सिमम है, नेगेटिव आता है तो रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाएगी, कंपल्सरीली इसमें हमें मैक्सिमम मिलेगा ही. तो देख लेते हैं, चलो. सो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स. तो दो हिस्सों के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे. डी बाई डी एक्स फंक्शन यहाँ पे मैं पूरा पहले लिख देता हूँ, आप चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो. सो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट पार्ट माइनस डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड पार्ट, कांस्टेंट को निकालेंगे हम बाहर, 60 बाहर होगा. डेरीवेटिव ऑफ एक्स, एज मैं पहले भी कह चुका हूँ आप डायरेक्टली डेरीवेटिव भी कर सकते हैं, यानी इसके बाद सीधा 60 डेरीवेटिव ऑफ एक्स 1 कर सकते हैं, 1/3 डेरीवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x लिख सकते हैं. सो दिस इज 60 माइनस 2/3x. सो दिस इज आवर dr/dx, या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कह सकते हैं. प्रोसेस वही है बच्चों, फंक्शन अलग अलग हो रहे हैं. यहाँ पे पहले जो सम्स देखे एफ ऑफ एक्स जिसमें कोई नाम नहीं था, तो हम डेरिवेटिव करके 0 से कंपेयर करते थे, x की 2 वैल्यूज मिलती थी, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता था. वाइल इन रेवेन्यू कॉस्ट एंड प्रॉफिट दे मस्ट बी पॉजिटिव, नेगेटिव कभी होता नहीं. x यानी डिमांड है, यूनिट्स है, तो स्टेप वही लिखना है, यानी हम लिखते हैं फॉर स्टेशनरी वैल्यूज, जो भी डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर को कंपेयर करना है 0 से. सो 60 माइनस 2/3x इज इक्वल टू 0. सो x को उस साइड ले जाते हैं, यानी 2/3 ऑफ x, ये हिस्सा उधर लेके जाएंगे, यानी 60 इंटू 3/2 पलट जाएगा, तो हमें हमारा x जो है वो मिल जाएगा. दैट विल बी नथिंग बट 60 इंटू 3 180/2, यानी 90 हम लिख सकते हैं यहाँ पे यूनिट्स. ठीक है, तो x मिल गया. पूछा है उन्होंने फाइंड द डिमांड, यानी डिमांड तो मिल गई है मगर ये मैक्सिमम है कि नहीं, उसके लिए एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा बच्चों हमें. तो उसके लिए हमें रखना क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना पड़ेगा और फिर हम वैल्यू रख देंगे. ये प्राइस की ज़रूरत अभी पड़ने वाली है, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी ये वैल्यू इवेल्यूएट करनी पड़ेगी. ठीक है, ओके. तो आप क्या करेंगे, तो सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव करना है हमें, डी स्क्वायर आर बाय डी एक्स स्क्वायर. that is d by dx of first order derivative. So d by dx of हम लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव, अभी हम लेके आए वहाँ पे 60 माइनस 2/3 ऑफ एक्स. सो डेरीवेटिव ऑफ 60, अब मैं कांस्टेंट निकाल लेता हूँ एंड डेरीवेटिव ऑफ एक्स. सो टेक्निकली दिस इज एक्स का डेरीवेटिव 0, 2/3 डेरीवेटिव ऑफ एक्स यानी 1. तो यहाँ पे खाली मिल रहा है -2/3, यानी अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे वैल्यू रखने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे रेवेन्यू फंक्शन की भी ज़रूरत है बाद में थोड़ी देर के बाद, इसलिए मैं ये भी साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए रेफरेंस के लिए, क्योंकि ये मैं हटा देता हूँ यहाँ पे. सो सिंपली यहाँ पे फॉर्मेलिटी करनी है क्योंकि एक्स रखने से यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है. फिर भी हमें हर एक स्टेप दिखाना ज़रूरी होता है. तो एट एक्स इज इक्वल टू 90 दिस इज -2/3 विच इज़ लेस देन 0. अगर लेस देन 0 होता है तो हम सिंपली डायरेक्टली कह देते हैं देयरफॉर रेवेन्यू इज मैक्सिमम, जो भी फंक्शन हो इट इज़ मैक्सिमम फॉर 90 यूनिट्स. ठीक है, यानी जो हमें प्रूव करना था पहला क्वेश्चन आ गया हमारा. उन्होंने पूछा था डिमांड फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू, तो वो 90 मिल चुका है. यहाँ पे उन्होंने हमें और दो चीज़ें पूछी है, ऑल्सो फाइंड द प्राइस एंड रेवेन्यू. ठीक है, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं मैक्सिमम रेवेन्यू. कॉन्सेप्ट वही है बच्चों, लास्ट सेशन में हमने यही किया था कि जब भी हमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी हो या मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, तो जो भी एक्स हमने ढूंढा है वो ओरिजिनल फंक्शन में रख देना है. सो हम टाइटल भी ऐसे देते हैं हर बार कि फॉर मैक्सिमम या मिनिमम, जो भी टाइटल आपके क्वेश्चन में जो भी पूछा है तो उस हिसाब से लिखना है. फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू पुट एक्स इज इक्वल टू 90 इन रेवेन्यू फंक्शन. मैं यहाँ पे पूरा फंक्शन लिख देता हूँ 60x माइनस 1/3 ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो अब मैं रख देता हूँ वैल्यू और सब्सक्रिप्ट में हम लिखते हैं मैक्सिमम हो तो MAX और मिनिमम हो तो MIN, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं हम. सो मैक्सिमम रेवेन्यू 60 × 90 माइनस 1/3 ऑफ 90 का स्क्वायर. तो अब इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है कैलकुलेटर की. ठीक है, तो 90 × 60 5400 होगा एंड 90 का स्क्वायर करना है हमें. 8100/3 करेंगे तो दैट इज़ 2700. सो 5400 माइनस करेंगे तो आपको 2700 ही मिलेगा. तो ये जो है मैक्सिमम उनकी रेवेन्यू हो गई, यानी अगर वो 90 यूनिट बेचते हैं तो उनको 2700 रुपीज़ मैक्सिमम मिलेगा. और यहाँ पे उन्होंने ऑल्सो पूछा है फॉर प्राइस, कहा था ऑल्सो फाइंड प्राइस एंड रेवेन्यू. ठीक है, तो प्राइस के लिए हमें क्या करना है, तो सेम वही काम पुट एक्स इज इक्वल टू 90 इन, मैं ये फी फंक्शन पूरा लिख देता हूँ. अगर आपको ये पूरा फंक्शन नहीं लिखना है तो आप नंबर दे सकते हो, इक्वेशन नंबर 1, 2 ऐसे तो भी चलेगा. ठीक है, सो फाइनली प्राइस जो है वो होगा 60 माइनस 1/3 ऑफ 90, यानी 60 माइनस 30 होगा तो प्राइस होगा 30 रुपीज़. तो बच्चों इंपॉर्टेंट सम है ये. एक तो यहाँ पे फंक्शन जो था बच्चों डिमांड फंक्शन, वो डायरेक्टली P इन टर्म्स ऑफ X नहीं दिया था, तो पहले उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ा, तब जाके हमें प्राइस फंक्शन मिला P इन टर्म्स ऑफ X, जिसे हम डिमांड फंक्शन भी कहते हैं. तो वो ढूंढने के बाद हमें रेवेन्यू फंक्शन मिल सकता है. तो ऐसा ही बच्चों अब एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जिसमें रेवेन्यू का पार्ट है. तो अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं सेक्शन ई का 10th नंबर का एग्जाम्पल, जो कि वही फॉर्मेट का है, मगर यहाँ पे थोड़ा इजी काम है क्योंकि उन्होंने डिमांड फंक्शन को प्राइस इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया हुआ है. तो सबसे पहला तो हम रेवेन्यू फंक्शन रेडी करने वाले हैं, जिसके लिए हमारी फॉर्मूला है रेवेन्यू यानी एक्स इंटू पी या पी इंटू एक्स लिख सकते हो, प्रोडक्ट है कोई फर्क पड़ता नहीं है, इंटू एक्स यानी दैट विल बी 75x माइनस x³ बाय 2500. तो ये रेडी हो गया हमारा रेवेन्यू फंक्शन. और सबसे पहला हम फाइंड करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑपरेटर अप्लाई करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन. फिर जैसे कि हम करते हैं कांस्टेंट को निकालते हैं बाहर, तो 75 निकलेगा बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ हम लिखेंगे x और 2500 नीचे है तो 1/ करके लिखना पड़ेगा बच्चों एंड d बाई डी एक्स ऑफ x³. x का डेरिवेटिव 1 होगा, सो 75 डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड माइनस 1 अपॉन 2500 एंड उसके साथ हमें पता है x³ का डेरिवेटिव होगा 3x². सो दिस इज 75 माइनस 3 अपॉन 2500 x². ठीक है, तो ये जो है बच्चों वो रेडी हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dr बाई डी एक्स. स्टेशनरी वैल्यूज़ जो हम अब तक लिखते आ रहे हैं हर सम में वही काम हो रहा है. for stationary values dr by dx is equal to 0. So 75 minus 3 by 2500 x square is equal to 0. हमें x की वैल्यू चाहिए. जब भी स्क्वायर आता है बच्चों, मैंने आगे वाले सम्स में भी कहा था कि x की वैल्यू कभी माइनस नहीं लेनी है. एज x यानी यहाँ पे डिमांड है, प्रोडक्शन है, यूनिट्स है. सो इसे शिफ्ट करेंगे. 75 इंटू 2500 डिवाइड बाई 3. कैलकुलेटर का इस्तेमाल हम कर लेते हैं, ठीक है. सो 75 इंटू 2500 डिवाइडेड बाई 3. सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है हमें 62,500. एंड जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 62,500, देन वी हैव टू वैल्यूज. बट एज मैं पहले कह चुका हूँ, स्क्वायर रूट निकालेंगे, दो वैल्यू मिलती है हमें, प्लस 250 एंड माइनस. बट एज एग्जाम्पल के अंदर हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो प्रैक्टिकल पार्ट है, यूनिट्स कैन नॉट बी नेगेटिव. सो हम यहाँ पे खाली क्या लेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट. आप लिखना चाहो तो प्लस 250 माइनस 250 लिखना है, माइनस 250 नॉट पॉसिबल लिखना है, या डायरेक्टली 250 लिखोगे तो भी चलेगा. अब उसके बाद अगर बात करते हैं बच्चों, तो हमें बताया गया है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम रेवेन्यू फाइंड नहीं करना है. उन्होंने बोला है पहले तो प्रूव करना है विच डिमांड इज रेवेन्यू मैक्सिमम. यानी डिमांड मिल गई है हमें, रेवेन्यू हमें प्रूव करना है मैक्सिमम, मगर उस वैल्यू को नहीं ढूंढना है. फाइंड द मैक्सिमम रेवेन्यू ऐसा नहीं पूछा हुआ है हमें, ठीक है. तो अब हम करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव डी स्क्वायर आर बाई डी एक्स स्क्वायर. सो फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव में ऑपरेटर अप्लाई कर लेते हैं सीधा. 75 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 3 बाई 2500 एक्स स्क्वायर. 75 का होगा 0, 3 बाई 2500 एक्स स्क्वायर का डेरीवेटिव जो है वो होगा 2x, ठीक है. सो फाइनली हमारा आंसर है माइनस 6x अपॉन 2500, ठीक है. तो ये मिल गया हमें सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव. अब हमें यहाँ पे मैक्सिमम रेवेन्यू नहीं पूछा गया है, खाली हमें प्रूव करना है कि रेवेन्यू मैक्सिमम है. उसके बाद उसकी प्राइस पूछी गई है, ठीक है. तो अब हमें सिंपली x की जगह पे 250 रखना है, यानी पुट x इज इक्वल टू 250. सो लास्ट टाइम तो सीधा ही आंसर आ गया था, यहाँ पे चेक कर लेते हैं. ऑल दो हम देख सकते हैं आगे माइनस है तो नेगेटिव आंसर आना निश्चित है, फिर भी हम प्रूव करेंगे. सो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके सीधा काम कर सकते हैं. सो 250 इंटू 6 यानी 1500 डिवाइड बाई 2500. सो दैट इज़ माइनस 0.6 एंड विच इज़ सीधा हम लिख सकते हैं लेस देन 0, ठीक है. तो हमें यहाँ पे खाली प्रूव करना है कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है फॉर यूनिट्स. हमें प्रोडक्शन या यूनिट्स पूछे गए, फॉर एट विच डिमांड यानी कितने यूनिट्स के लिए फंक्शन जो है रेवेन्यू मैक्सिमम होगी. तो हम कह सकते हैं देयर फॉर हमें अभी अभी ऑब्जर्व किया, फॉर 250 यूनिट्स रेवेन्यू इज मैक्सिमम, ठीक है. यानी पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है. अब उन्होंने सीधा पूछा है फाइंड द प्राइस. उन्होंने ये नहीं कहा, लास्ट सम में याद है वो बच्चों आपको, अभी हमने किया उसमें ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम रेवेन्यू एंड प्राइस लिखा था, जबकि यहाँ पे खाली पूछा है ऑल्सो फाइंड द प्राइस फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू. ऐसा नहीं कहा कि फाइंड द मैक्सिमम रेवेन्यू. तो खाली प्राइस के लिए हमें रखना है पुट x इज इक्वल टू 250 इन प्राइस फंक्शन, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है यहाँ पे, तो ठीक है. तो सीधा उसके अंदर हम रख देते हैं x की जगह पे 50. तो प्राइस मिल जाएगी 250 का स्क्वायर अपॉन 2500, ठीक है. सो डिवाइड बाय करेंगे 2500 तो हमें मिलेगा 25. सो 75 माइनस 25 यानी 50 रुपीज़, ठीक है. तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम रेवेन्यू के लिए प्राइस 50 रुपीज़ है. और बाकी तो हम यूनिट्स तो ढूंढ ही चुके हैं. 250 के लिए रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू जो है रेवेन्यू इज़ मैक्सिमम, ठीक है. यहाँ पे इज़ लिख देते हैं. तो एक 8 नंबर का सम बच्चों छोड़ा है, वो आप कर पाओगे. अब हम देख लेते हैं बच्चों प्रॉफिट से रिलेटेड एग्जांपल्स, जिसमें हमें यही काम करना है. थोड़ा डिटेल बढ़ेगी क्योंकि प्रॉफिट फंक्शन भी, जैसे रेवेन्यू हम बनाते हैं फंक्शन आर एक्स इज इक्वल टू पी इंटू एक्स, वैसे हमें रेवेन्यू बनाना पड़ेगा. कॉस्ट दिया जाएगा, फिर प्रॉफिट के लिए पी ऑफ एक्स हम कहते हैं आर माइनस सी करेंगे, तब जाके हमें मिलेगा प्रॉफिट फंक्शन. तो देख लेते हैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स. तो अब देख लेते हैं सेक्शन ई का बच्चों 11 नंबर. अब ये जो सम है जिसमें प्रॉफिट फंक्शन रेडीमेड दिया है बच्चों, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे एक और सम जिसमें हमें प्रॉफिट फंक्शन बनाना होगा। उन्होंने हमें रेडीमेड लिख के दिया हुआ है कि प्रॉफिट जो है फंक्शन है वो ये है हमारे पास। प्रोसेस वही है बच्चों, चाहे कोई भी एग्जाम्पल हो, चाहे कॉस्ट का हो, रेवेन्यू का हो, प्रॉफिट का हो, पहला काम हमें वही करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। खाली नोटेशन यहाँ पे बदलेगा। अब लिखेंगे हम डी पी बाई डी एक्स। सो जितने भी हिस्से हैं उसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करो, आप सीधा डेरिवेटिव भी कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। इलस्ट्रेशन में उन्होंने डायरेक्टली आंसर भी लिखे हुए हैं, सो कर सकते हैं, बट हम एक एक स्टेप कम कर रहे हैं। अब एक्स का डेरिवेटिव 1000 है, सॉरी 10,000, कॉन्स्टेंट का 0 होगा 0.1, एक्स स्क्वायर का होगा 2x। सो डेरिवेटिव रेडी हो चुका है, दैट इज 40 माइनस 0.2x। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब जो है हमें स्टेशनरी वैल्यूज वाला काम करना है, यानी फॉर स्टेशनरी वैल्यूज वी नो दैट डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमें 0 से कंपेयर करना है। सो 40 माइनस 0.2x इज इक्वल टू 0, सो देर फॉर 40 इज इक्वल टू 0.2x एंड देर फॉर डिवाइड करेंगे, 40 डिवाइडेड बाई 0.2 इज अवर x एंड x इज नथिंग बट डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 200 यूनिट्स। ठीक है, चेक करना है तो चेक कर सकते हैं हम कैलकुलेटर के अंदर। ठीक है, आपको भी खास चेक कर लेने का। सो 40 बाई 0.2 दैट इज 200 यूनिट्स। यूनिट्स मिल चुके हैं। क्वेश्चन में हमें पता है, बताया गया है, पूछा गया है व्हाट प्रोडक्शन प्रॉफिट इज मैक्सिमम एंड ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी इसमें प्रॉफिट भी फाइंड करना है और प्रूव करना है। पहले मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, यानी डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर। सो डेरिवेटिव करने के लिए हमें ऑपरेटर अप्लाई करने का, दो हिस्सों के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं हम। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 40 माइनस डी बाई डी एक्स डेरीवेटिव ऑफ 0.2x। सो 40 का होगा 0, 0.2x का होगा 1, यानी आंसर माइनस 0.2। बच्चों आगे भी मैंने ऐसा कहा था, आगे वाले सम्स में ऑब्जर्व किया है हमने, सीधा आंसर आ जाए। फिर भी हमें फॉर्मेलिटी ज़रूर करनी चाहिए, स्टेप दिखाना ज़रूरी है। पुट x इज इक्वल टू 200, ऑल दो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाली है। ठीक है, कि x की जगह पे 200 रखते हैं तो इट विल बी अगेन माइनस, सो लेस देन 0 है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट इज मैक्सिमम फॉर कितने यूनिट्स है जो हमने ढूंढे, यानी 200 यूनिट्स। तो उनका जो पहला क्वेश्चन है वो हो चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो जो फंक्शन है उसके अंदर रख देते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू 200 इन प्रॉफिट फंक्शन p, 40x प्लस 10,000 माइनस 0.1x स्क्वायर, और उसमें सब्सक्रिप्ट लिखेंगे मैक्सिमम है। सो 40 इंटू 200 प्लस 10,000 माइनस 0.1 एंड 200 का स्क्वायर। सो ये जो है वो होगा नेचुरली 40 इंटू 200 के बाद दूसरा आंसर है प्लस 10,000, 200 का स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 40,000 इन 2.1 करना है तो दैट विल बी 4,000। सो अल्टीमेटली अगर हम कहते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट है बच्चों वो हमें मिलेगा यहाँ पे 14,000 रुपीज़। ठीक है, तो 14,000 जो है वो होगा हमारा प्रॉफिट। अब ये तो इजी हो गया सम, प्यारा सा सम, क्योंकि हमें जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है उसके अंदर रेडीमेड फंक्शन दिया था प्रॉफिट वाला। मगर अगर प्रॉफिट फंक्शन रेडी ना हो तो उसे हम जनरेट करेंगे और फिर करेंगे। तो अब देख लेते हैं लास्ट एग्जांपल जिसमें हमें आर एक्स सी एक्स यानी रेवेन्यू फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन दिया जाए, प्रॉफिट फंक्शन पी हम जनरेट करेंगे एंड देन जो भी कहा जाए वो ढूंढेंगे। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन के अंदर बच्चों कॉस्ट फंक्शन रेडीमेड है, वहाँ पे उन्होंने सेंटेंस में लिखा हुआ है कॉस्ट, मैंने यहाँ पे नोटेशन में लिख दिया है, और डिमांड फंक्शन तो रेडी दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें रेवेन्यू फंक्शन रेडी करना होगा। रेवेन्यू यानी आर इज इक्वल टू पी इंटू एक्स, जैसे कि वो डिमांड फंक्शन पी तो दे चुके हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स, 1200 माइनस 10x इंटू एक्स, सो दैट विल बी 1200x माइनस 10x स्क्वायर। सो आर यानी रेवेन्यू फंक्शन रेडी। कॉस्ट फंक्शन तो ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू 200x प्लस 15x स्क्वायर। अब जो है एज वी नो दैट प्रॉफिट का फंक्शन हमारे पास है, दैट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। लास्ट लेक्चर में हम कह चुके हैं। कैपिटल पी लिखेंगे डिमांड के अंदर। बच्चों यहाँ पे जो होता है उसे आप स्मॉल पी समझते हो ऑलवेज, पहले भी हम देख चुके हैं। तो पी इज इक्वल टू आर माइनस सी। सो अब हमें प्रॉफिट फंक्शन थोड़ा मेहनत करनी है, रेवेन्यू फंक्शन ध्यान से हमें रखना है। ऑलवेज यूज ब्रैकेट आफ्टर माइनस साइन, यानी जब मैं ये आर रेवेन्यू फंक्शन रखता हूँ कॉस्ट रखने से पहले आगे माइनस करना है, अदरवाइज साइन की वजह से गड़बड़ हो सकती है। सो फंक्शन में अब माइनस साइन अप्लाई करते हैं, तब जाके हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट फंक्शन रेडी हो जाएगा बच्चों। सो दिस इज माइनस 200x प्लस माइनस, बस ये खास एक ध्यान रखना है। एंड एज वी नो दैट 1200 माइनस 200 यानी प्रॉफिट फंक्शन में बन जाएगा p यानी 1000x और 10x एंड 15 दोनों माइनस है, तो दैट विल बी माइनस 25x²। बस इतना सा काम है बच्चों। क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट फंक्शन रेडी कर लिया, फिर प्रॉपर प्रोसेस नॉर्मल करनी है। यहाँ पे हमें खाली पूछा है हाउ मैनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस्ड फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी डेरिवेटिव करेंगे, जीरो से कंपेयर करेंगे, x मिलेगा हमें डिमांड यानी स्टेशनरी वैल्यूज, सेकंड ऑर्डर को लेस देन जीरो प्रूव कर दिया बस। मैक्सिमम प्रॉफिट भी नहीं पूछा है, प्राइस भी नहीं पूछी है, कुछ भी नहीं पूछा है। सो सीधा डेरिवेटिव करेंगे dp बाई dx, 1 ऑपरेटर अप्लाई कर लेते हैं। आप चाहो तो सीधा भी डेरिवेटिव कर सकते हो। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। सो 1000 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, 25 कांस्टेंट, x² का होगा 2x। सो टेक्निकली कहे तो dp बाई dx डेरिवेटिव हमारा रेडी हो गया है, दैट इज 1000 माइनस 50x। और अब हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर के बाद सीधा लिखना है ये for stationary values, we know that dp by dx is equal to 0, so इसे 0 के साथ compare करेंगे, 1000 minus 50x is equal to 0, therefore 1000 is equal to 50x, तो 50 से divide करेंगे तो हमें मिलेगा x is equal to 1000 divided by 50, so x की value हमें मिल जाएगी 20, ठीक है, 20 यूनिट्स। x मिल गया, अब सीधा हमें काम करना है, सेकंड ऑर्डर में रख देंगे, ठीक है, पहले उसे ढूंढना पड़ेगा। सो d²p/dx², फर्स्ट ऑर्डर जो हमारे पास है रेडी, उसको ऑपरेटर अप्लाई कर लेते हैं। सीधा भी आप करना चाहो तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। 50x, सो 1000 का होगा 0, 50 कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x 1। सो वैसे तो मैंने आगे वाले सम्स में भी कहा है कि सीधा आ जाए तो आप लिख सकते हो, बट हम लिखते हैं, स्टेप ज़रूरी होता है। सो पुट x इज इक्वल टू 20, सो 20 रख देते हैं, तब नेचुरली ये लेस देन जीरो तो है ही, खाली ये लिख के दिखाना है कि येस हम चेक कर रहे हैं हमारी कंडीशन। सो इट इज़ लेस देन ज़ीरो, नेगेटिव आ जाए लेस देन ज़ीरो तो कह सकते हैं क्वेश्चन पूछा था हाउ मैनी यूनिट्स, तो हमें लिखना है उसी तरह से, देयरफॉर 20 यूनिट्स, ये हमने प्रूव कर दिया है। मैक्सिमम 20 यूनिट्स शुड बी, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिख सकते हो, प्रोड्यूस्ड फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सम जिसमें हमने प्रॉफिट फंक्शन रेडी किया है। कभी कभी बच्चों डिमांड फंक्शन पी नहीं देते, सीधी प्राइस दे देते हैं, तो उस वक्त भी हम यही फॉर्मूला R इज इक्वल टू पी इंटू एक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसा एक सम देखना है जो कि आज के सेशन का हमारा लास्ट सम होगा और जो है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हो उन्होंने हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी हुई है 10,000 रुपीज़। तो सबसे पहला हमें बनाना है हमारा रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू यानी आर एक्स इज इक्वल टू पी इंटू एक्स। Here P is given as ₹10,000, सेलिंग प्राइस कह सकते हैं, ठीक है। सो फंक्शन जो है उसमें डिमांड फंक्शन की जगह उन्होंने सीधा सेलिंग प्राइस दिया, बस इतना फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क है नहीं। और कॉस्ट फंक्शन सीधा दिया हुआ है 0.1x² प्लस 9000x प्लस 100, ठीक है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा जाएंगे हमारे प्रॉफिट फंक्शन में। प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम कहते हैं टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, शॉर्ट में आप रेवेन्यू माइनस कॉस्ट भी कह सकते हो। कैपिटल पी यानी 10,000x माइनस, ब्रैकेट में ध्यान रखना है वैल्यू में गड़बड़ ना हो जाए, 9000x प्लस 100, ठीक है। तो ये थोड़ा सा संभाल के काम करना है बच्चों, बाकी कष्टदायक कोई काम नहीं है। माइनस साइन अप्लाई करेंगे हम, यानी 10,000x माइनस 0.1x² माइनस 9000x एंड माइनस 100। तो तो अल्टीमेटली अगर हम कहते हैं तो हमारा प्रॉफिट फंक्शन पी जो है वो हमें मिल जाएगा 10,000 माइनस 9,000 यानी 1,000 एक्स, एक्स बचेगा, फिर 0.1 एक्स स्क्वायर माइनस 0.1 एक्स स्क्वायर एंड लास्ट में होगा -100। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, वेरिएशन खाली बच्चों ये प्राइस की वजह से था, बाकी कोई चेंज नहीं है। सो dp बाई डी एक्स कर सकते हैं हम, डेरिवेटिव के लिए ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, आप सीधा चाहो तो भी कर सकते हो, d बाई डी एक्स ऑफ 0.1 एक्स स्क्वायर एंड माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 100। सो दिस इज 1000 डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, 0.1 एक्स स्क्वायर का होगा 2x, कॉन्स्टेंट का होगा 0। सो टेक्निकली 1000 माइनस 0.2x ये हमारा हो गया है dp बाय डी एक्स। अब सीधा वही काम करना है फॉर स्टेशनरी वैल्यूज़ बच्चों, स्टेप्स वही है, आपको याद रह गए होंगे क्योंकि सभी सम्स में ऑलमोस्ट सेम काम हो रहा है लास्ट 2-3 लेक्चर से। सो डी पी बाई डी एक्स ज़ीरो रखना है तो 1000 माइनस 0.2x इज इक्वल टू 0, तो 1000 इज इक्वल टू 0.2x यानी x इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 0.2, तो जो है x की वैल्यू हमें मिलेगी, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेने का, ठीक है। सो 1000 डिवाइडेड बाय 0.2 कहते हैं तो दैट विल बी 5000, ठीक है। तो 5000 यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर हम कह सकते हैं और वैल्यू रख देते हैं अब हम, क्योंकि अब हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है और फिर रखना है x को। सो डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर, डी पी बाई डी एक्स हमारी आंखों के सामने रेडी है, तो ऑपरेटर अप्लाई करना है सीधा, पहले में 1000 देन दूसरे के ऊपर भी डी बाई डी एक्स। लास्ट सम के जैसा ही काम है, डेरिवेटिव सीधा ही नेगेटिव आ जाएगा, आप देख सकते हो, मगर फिर भी जैसे कि हम कहते हैं हमें वैल्यू रखना ज़रूरी होता है, इवेल्यूएट करेंगे। सिंपली पुट x इज इक्वल टू 5000, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रूव करना ज़रूरी है, इट इज़ लेस देन 0, तभी हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो पूछा है कि हाउ मैनी रेफ्रिजरेटर्स, तो हम लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर 5000 refrigerators should be manufactured for maximum profit, ठीक है। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम, खाली यहाँ पे रेफ्रिजरेटर्स बताया गया है, बाकी स्टेप्स वही रहते हैं। तो बच्चों होमवर्क के लिए अगर कहें हम तो एग्जाम्पल्स हमने ऑलमोस्ट कर लिए हैं, ठीक है, सभी। आपको जो बाकी करना है काम, प्रैक्टिस कर लेनी है थोड़ी। लास्ट सेशन में हम देखने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एग्जाम्पल, ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटे मोटे एग्जाम्पल्स है। तो सेक्शन ई के अंदर बच्चों आपको करना है, अभी अभी जो हमने मेथड देखी उसमें एक सम हमने छोड़ा हुआ है 8 नंबर का रेवेन्यू वाला, और सेक्शन एफ में जो मैंने अभी अभी करवाया, ठीक है, वैसा एक सेक्शन ई में अंदर 8 के साथ आप 12 नंबर भी कर पाओगे, ठीक है, 8 एंड 12 दो करना। और सेक्शन एफ के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसमें अभी अभी जो हमने किया वैसा ही एक सम है, सम नंबर 6। तो ये 3 सम आप कर लोगे तो ये प्रॉफिट वाला जो कॉन्सेप्ट वो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, चैप्टर बहुत ही ईजी है, आराम से आप कर पाओगे, मगर रिवाइज उसको सही टाइम पे करते रहना है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर का अंत करेंगे। आज के सेशन में हम बच्चों यहाँ तक का काम रखते हैं। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.